9 फरवरी 2019 को बॉलीवुड के फेमस विलेन रहे महेश आनंद के निधन की जानकारी मिली। पुलिस ने यारी रोड स्थित महेश आनंद के घर से उनकी लाश बरामद की, जिसे पोस्टमार्टम के लिए विले पार्ल स्थित कपूर हॉस्पिटल ले जाया गया। चौंकाने वाली अपडेट ये सामने आई कि महेश की मौत 3 दिन पहले कार्डियक अरेस्ट से हो चुकी थी। महेश की मौत यारी रोड वर्सोवा स्थित उनके घर में 3 दिन पहले ही हो चुकी थी। वहां वो 18 साल से अकेले ही रह रहे थे। पड़ोसियों ने घर के अंदर से बदबू आने की शिकायत पुलिस में की। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुई तो महेश को मृत पाया गया। महेश ने 18 साल तक फिल्मों से दूर रहने के बाद प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी की फिल्म रंगीला राजा साइन की थी। फिल्म के मिलने की कहानी शेयर करते हुए आनंद ने बताया था कि मुझे निहलानी जी की ओर से एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था, कॉल मी। मैंने तुरंत उन्हें कॉल किया तो उन्होंने कहा, बेटा कितने बजे आओगे ऑफिस? मेरे पास ऑटो रिक्शा तक के पैसे नहीं थे, मैं बेहद तंगी से गुजर रहा था। निहलानी से मुलाकात के बारे में बात करते हुए महेश ने कहा, पहलाज जी ने कहा था कि मूवी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे लिए 6 मिनट का रोल है जो तुम कर सकते हो। और फिर महेश ने अपने फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म पहलाज निहलानी के साथ साइन की, जिसका नाम था रंगीला राजा। महेश आनंद की पहली शादी एक्ट्रेस रीना रॉय की बहन प्रोड्यूसर बरखा रॉय से हुई थी। इसके बाद 1987 में उनकी दूसरी शादी मिस इंडिया इंटरनेशनल एरिका मारिया डिसूजा से हुई। दोनों का त्रिशूल आनंद नाम का एक बेटा भी है जो अब करीब 29 साल का हो चुका है, लेकिन अब वो एंथनी वोहरा के नाम से जाना जाता है। आनंद की तीसरी शादी एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा से 1992 में हुई और सन 2000 में उन्होंने चौथी शादी एक्ट्रेस उषा बाचानी से की, लेकिन 2 साल बाद ही उनका तलाक हो गया। उषा के प्रेग्नेंट होने की खबर भी आई थी, लेकिन बाद में एक्ट्रेस ने महेश पर शराब के नशे में रेप का आरोप लगाया और तलाक ले लिया। 5वीं शादी की बात इसलिए क्योंकि खुद महेश आनंद ने फेसबुक पर एक महिला के साथ अपनी रोमांटिक फोटो शेयर करके उसे अपनी पत्नी बताया था। महेश से कई सालों तक फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहने की वजह के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस समय जो 80 से 90 का दशक था, स्टंट के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपकरण नहीं हुआ करते थे। ऐसे ही एक स्टंट सीन के दौरान उन्हें ऐसी चोट लगी जिसकी वजह से वो 6 महीने तक अस्पताल में रहे और उसके बाद 3 साल तक घर पर बिस्तर पर ही पड़े रहे। इस दौरान उनका वजन 38 किलो तक कम हो गया था और उनकी हड्डियां खराब हो चुकी थीं। आपको बता दें कि महेश विलन के किरदार को निभाने के बाद काफी मशहूर हुए थे। 90 के दशक में वो कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहे, जैसे कुरुक्षेत्र, कुली नंबर 1, शहनशाह, स्वर्ग, थानेदार, आया तूफान और प्यार किया नहीं जाता जैसी फिल्मों के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। महेश ने बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया है, जिनमें गोविंदा, सनी देओल, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे कलाकार शामिल हैं। महेश आनंद आखिरी बार प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी की फिल्म रंगीला राजा में एक छोटे से रोल में नजर आए थे और ये फिल्म भी पहलाज निहलानी ने महेश आनंद की गिरती हुई सामाजिक स्थिति और गिरती हुई सेहत के कारण ही उन्हें ऑफर की थी। इस फिल्म में महेश आनंद आखिरी बार अपने पसंदीदा कलाकार गोविंदा के साथ काम कर पाए। ये फिल्म 18 जनवरी को रिलीज हुई। बॉलीवुड का ये फेमस विलन एक समय में अपने करियर की ऊंचाइयों को छूने के बाद बेहद गुमनामी भरी जिंदगी जीने को मजबूर हो गया। अपनी जिंदगी में 5-5 शादियां करने के बावजूद भी वो जिंदगी में अकेला ही रह गया। मुंबई की इस माया नगरी में लोग बड़े बड़े सपने लेकर तो आते हैं, लेकिन फिर आखिरकार यहाँ आकर कहीं खो जाते हैं, और जो अपने सपने पूरे कर भी लेते हैं वो आखिरकार गुमनामी में भुला भी दिए जाते हैं। बॉलीवुड के इस फेमस विलन महेश आनंद पर आधारित हमारा ये वीडियो पैकेज अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेंबर्स के बीच शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उसी के जरिए आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो आपको हर बार हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। आप अपने फीडबैक्स और सुझाव कॉमेंट बॉक्स के जरिए भी हम तक पहुँचा सकते हैं। बस इसी तरह देखते रहिए बॉलीवुड बुलशिट।